और हम खेसारी जी और कृष्णा बेदर्दी जी तीनों लोग एक ही गांव के बनी जाए। तो सबसे पहले कृष्णा बेदर्दी जी खेसारी जी के साथे दिल्ली में जुड़ने ओकर बाद। लेकिन अभी साल डेढ़ साल से देखल गई बा कि राउर जी गाना बा खेसारी भैया के साथ बहुत कम होता। मदद तो हमेशा होत रहेला हमनी के फाउंडेशन से, खेसारी फाउंडेशन जौन बा जाना कि हम अध्यक्ष भी बानी, बहुत पहला ऐसा चैनल बा जाना से हम पब्लिकली बतावत नहीं कि खेसारी फाउंडेशन के चेयरमैन हम बने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा और आप लोग देख रहे हैं राइज अप बिहार। आज हमारे साथ हैं भोजपुरी के बहुत ही मशहूर गीतकार जिनका कलम ही पहचान है, इनका आवाज़ तो नहीं है लेकिन इनका कलम जो है वही इनका पहचान है। हमारे साथ है भोजपुरी के मशहूर गीतकार पवन पांडे जी। भैया सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। प्रणाम नमस्कार वेलकम भाई तहर, और जितना लोग देखा था राइज अप बिहार, जे भी दर्शक देखा था अभी हमारा देखा था, बाद में देखी, 10 दिन बाद देखी, 1 महीना बाद जब तक यूट्यूब चैनल रही तब देखी, सबके ऊपर नमस्कार बा, प्रणाम बा, पवन पांडे के प्रणाम स्वीकार करें। भैया राउर गाय लेखनी के जे दुनिया बा रउआ हर इंटरव्यू में कहले बानी कि बहुत कष्टमय जीवन जे बा रउर स्टार्ट कर रहे, का कष्ट भइल स्टार्टिंग से जब लिखे में इतर हुआ, बहुत लोग पूछले भी बा लेकिन हम भी अपना चैनल के माध्यम से ये सबके जानकारी देहल चाहब, का शुरुआती में कष्ट भइल, कैसे कैसे रहुआ गाना लिखल चालू कैनी है ओकर बाद हिट पर हिट आवे लगल गाना। बहुत लंबा कहानी, बहुत लंबा कहानी चली तो पता चले कि 1 घंटा तक इंटरव्यू हो गए। छोटा सा हम बताए थे कि ऐसे हमने के शुरू में 15 अगस्त 26 जनवरी के अपना स्कूल में गाना लिखत रही सब, और हम खेसारी जी और कृष्णा बेदर्दी जी तीनों लोग एक ही गाँव के बनी जाए। तो सबसे पहले कृष्णा बेदर्दी जी खेसारी जी के साथे दिल्ली में जुड़ने ओकर बाद हम भी गाना लिखत रही, तब सब लोग साथ देहल, कृष्णा जी खेसारी जी सब लोग सपोर्ट कर, महेश परदेसी जी सब लोग सपोर्ट कर कि ना भाई एक साथे गाना लिखल जाओ, हमने के एक साथे एक गांव के रहनी सन तो जुड़ के गाना लिखे के शुरू करनी सन। और फर्स्ट हम शुरुआत खेसारी लाल यादव जी के ही साथे गाना लिखे कहीं एल्बम के दुनिया में, बाकी ऐसे तो 26 जनवरी 15 अगस्त के स्कूल में बहुत सारा लिखी भी और गाएँ भी, और कस्टमर तो बहुत जिंदगी रहल भाई, हम पूरा इंटरव्यू बहुत सारे चैनल पर बतौले बनी, और डीडी नेशनल के जौन डीडी भारती बा बिहार दूरदर्शन ओमे हम इंटरव्यू भी बही रहे, तो बहुत सारा कहानी बा, ट्रेन के पटरी पर सूते से लेकर के पटना स्टेशन पर 3 महीना तक कम से कम कस्टमर जिंदगी वो गाया 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर, जौन कि 15-20 रुपये के प्लास्टिक के चटाई आवत रहे, वो चटैया के वही भरी लंचिंग भैर रहे आ बुझाता हमारे खातिर भैर रहे, तो चटाई बिछा बिछा के मैंने स्टेशन पर सुतल बने, और 5-5 रुपये के वही सुलभ शौचालय रहे पटना जंक्शन पर, अभी तो बहुत सारा विकास हो गए बाबूजी, तो हमें 5 रुपये दे के हम नहान स्नान सब कुछ अपन करके फिर सिम्फनी स्टूडियो में रंजय भैया के स्टूडियो में जाएँ, उनके किचन में अपन बैग रख दें, लेकिन पता ना चले दे कि क्यों कहे हम होटल में रहते नहीं कि स्टेशन पर रहते हैं, शुरू से स्वाभिमानी रहे के आदत बा, और केहू के लगे हाथ पसारे के बहुत कम आदत बा। भैया राउर तो जिंदगी बहुत कष्टमय रहे लेकिन अब धीरे धीरे बढ़िया बा, और राउर जे जोड़ी बा खेसारी भैया के साथ बहुत हिट रहे, माने आज तक कोई सन कोई जोड़ी हिट ना बार हुआ, लगभग 10-15 साल से भैया के साथ बानी, जब से वो स्टार्टिंग कैले रहुओ वही टाइम से स्टार्टिंग कैले बानी, लेकिन अभी साल डेढ़ साल से देखल गई बा कि राउर जी गाना बा खेसारी भैया के साथ बहुत कम होता, काहे ऐसा बा, और बहुत लोग माने फेसबुक के माध्यम से कहलन कि पवन भैया के गाना जो है वो फिर से धमाका होना चाहिए, पवन भैया का लिखा हुआ गाना खेसारी भैया नहीं गा रहे हैं, ऐसा क्यों है बताएं मेरे को। ऐसा थोड़े बा गाना हम लिखलते जा रहे हैं, 1-1.5 साल से थोड़ा सा घर परिवार फैमिली के कुछ कारण रहे, दादा दादी भी एक्सपायर कर गए, फिर हम पटना के हमारे गृह प्रवेश भेल, पटना जो घर बनल, और फिर वो शादी हमारे नवंबर में हो गए, तो हमें थोड़ा सा व्यस्तता रहे, ना तो शादी अथी ना रही तो नवंबर से हमने के कार्य शुरू हो गए, और 2019 में हमारे सबसे गाना का जैसे भी रहे हिट, 20 में भी गाना रहे सैनिटाइजर वाला, और बहुत सारा ऐसा गाना रहे, सब थोड़े बहुत गाना तो अल्टरनेट आते रहे ला, बट रहल कि जौन रेशियो में चाहे वो रेशियो में नहीं खे, तो बहुत जल्दी सावन से हमने की शुरुआत बा, और बहुत बड़ा बड़ा धमाका, जब से 2019 में गाना जब बहुत हिट भी भल रहे, 2019-20 बहुत गाना बा जे कि अनगिनत गाना बा, लोग गिनिए तो गिनेबो ना करे, ऐसे हमरो कहना बा,
जब से रउआ खेसारी भैया के गाना देवल कम कल बनी मैंने रउआ ना दे पाओ तनी तब से देखल जाता कि खेसारी भैया जब भी कोई गाना गावत रहन तो विवाद में भी जाता और जनता के जब माध्यम बाकी बहुत फोर्स आवा था कि भैया कुछ धमाका होके तो अपना चैनल से हमारा चैनल के जरिए आप बतावल छ हम कि कब ले गाना जे बार और लिखल जो बहुत ही हिट आई भैया के बारे में। अभी सावन से शुरुआत हो गई बा और सावन के साथ अभी तक हमारे गाना चलते बा मुलायम कर चाट के जी अभी लेटेस्ट गाना हमारे बाजत ऑर्केस्ट्रा में हर जगह लेकिन अभी सावन के बहुत सारा गाना हमारा होता और खेसारी जी के आवाज़ में ढेर गाना बा और साथ ही साथ समर भाई कल्लू जी और बहुत सारा कलाकार लोग अंकुश राजा बहुत सारा लोग के साथ है जी सर 2019 में भैया बाढ़ आयल रहे ओमे रउआ लोग बहुत मदद कैले बनी बिहार में हर जगह पहुँच के माने जहाँ जहाँ रउआ लोग के हो पाए वहाँ रउआ लोग मदद कैले बनी और 2021 में भी बाढ़ आवे के बहुत ज़्यादा संभावना बा और कई जगह बाढ़ भी आ चुकल बा तो का प्रतिक्रिया रही है बार रउआ लोग फिर मदद करब का विचार मदद तो हमेशा होत रहेला हमने के फाउंडेशन से खेसारी फाउंडेशन जनवा जाना कि हम अध्यक्ष भी बानी बहुत पहला ऐसा चैनल पर जाना से हम पब्लिकली बतावता नहीं कि खेसारी फाउंडेशन के चेयरमैन हम बने और खेसारी फाउंडेशन के माध्यम से पिछला बार भी हमने के 2019 में जब बाढ़ आए रहे पटना में तो हमने के वो जगह गई बनी सर नवरात्रि हम भूखा रहनी और नवरात्रि के शुरुआत रहे उस समय तो हम फल और दूध लेके उस जगह पे गए रहनी जौना जगह पे लगभग केहू ना पहुँच रहे निकले खातिर कम से कम छाती छाती पंडे करकट और छत के फर्स्ट ताला पर लोग बैठे रहे राजीव नगर के तरफ जौन इलाका बा ओमे हम गए रहन उकराला में कंकरबाग राजेंद्र नगर इस सब में बहुत सारा दूध और बिस्कुट पानी के बोतल बहुत सारा चीज़ बटले रहन सन सीतामढ़ी में जाके तिरपाल उरपाल भी बटले रहे आदमी लोग के आर्थिक स्थिति में भी मदद करे और हर साल ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जाना बिहार के कोनो इलाका में अगर बाहर कुछ हो आवे कोनो भी आपदा आवे भगवान मत कह सके आपदा के शिकार होके बट अगर केहू के संकट रहेला तो हमने के जरूर हर संभव मदद कर ले सन और हर समय संभव प्रयास कर ले सके हमने के भगवान उतना शक्ति प्रदान करस कि हमने के लोग मदद कर भैया रउआ लास्ट में का मैसेज देवल चाहब अपना जनता जे रउआ लोग से प्यार करेला का कहल चाहब सबसे पहले तो जनता रूपी श्रोता और जे भी हमारे भगवान बा जनता भगवान के रूप में होलन और जे भी श्रोता बा ओकरा के प्रणाम बा नमस्कार बा और लास्ट हमार मैसेज माने आदेश ना रिक्वेस्ट बा प्रार्थना बा कि सबके वो अभी कोरोना महामारी से जूझता तो वैक्सीन के कम से कम रहुआ अगर लगातार रहुआ क्षेत्र में रहुआ बगल अगल में तो रहुआ जरूर लगाई चूँकि हम भी लगा ले बनी और अपना घर परिवार के सेफ रखी और अपना जिंदगी के सुखमय बनाई आनंदमय बनाई और सबसे बड़ी सुखी वह बा जो अपने परिवार के साथ सुख चैन के जिंदगी जियता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया और कीमती समय देखते हैं। चलिए नमस्कार प्रणाम और ऐसे ही देखत रहें राइज अप बिहार देखत रहें अभी तक रहुआ चैनल के लाइक सब्सक्राइब नहीं कैले तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर करें हमारे व्हाट्सएप पर भेज हम लोग नमस्कार प्रणाम।